तो सबसे पहले हम बना लेंगे चाशनी। तो हम यहाँ पे 3 कप शक्कर लेंगे और 4 कप पानी डालने वाले हैं। और जैसे आप जानते हो कि हमें यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसे एक तार या दो तार का करना नहीं होता है, इतना होना चाहिए कि ये चिपचिपा होना चाहिए, अच्छा खासा चिपचिपा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे शक्कर घुल चुकी है पानी में और आँच को मैंने यहाँ पे तेज़ रखा था, अब आँच को मैं यहाँ पे मध्यम रख लूँगी। और इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची, तो इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर तो आता ही है। खैर आप जानते हो मिठाइयों में बिना इलायची के तो कोई काम चलता ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 6 इलायची का उपयोग किया है। साथ ही साथ में इसमें हम डाल देंगे सैफरॉन यानी कि केसर, और हमें यहाँ पे करीबन 20 से 25 मिनट तक मध्यम और तेज आंच के बीच में रखना है और इसे पकाना है अच्छे से। तो जब तक ये चाशनी तैयार होती है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है गिट्स के गुलाब जामुन मिक्स, और मैं आपको यहाँ पे पहले बता देती हूँ ये पेड प्रमोशन नहीं है। मार्केट में अलग अलग कंपनीज के इस तरह के गुलाब जामुन मिक्स मिलते हैं, तो आपको दुकान में जो भी अवेलेबल मिले वो आप ले सकते हो। और इसे हमें कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। और इसमें मैं एग्जैक्ट 40 गुलाब जामुन बना के तैयार करूँगी, और इसकी जो प्राइस है 95 रुपीज़ की है, तो ठीक है 95 रुपीज़ में आपको 40 गुलाब जामुन मिल जाएंगे। तो गुलाब जामुन का जो मिक्स है वो हम निकाल लेंगे प्लेट पर, और जो आप देख सकते हो इस मिक्स में थोड़े से गुठलियाँ सी हैं, बहुत मुलायम सी गुठलियाँ हैं, तो मैं इसे हाथों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से मैं इसे तोड़ लेती हूँ। हम यहाँ पे पानी भी डाल सकते हैं या फिर दूध, लेकिन मुझे लगता है कि दूध डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिया है दूध। तो दूध का जो मेजरमेंट आप देख सकते हो ये 125 मिलीलीटर है। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स है तो उसके हिसाब से आप आधा कप लीजिए। और ये जो दूध है गाय का दूध है, क्योंकि जन्माष्टमी का पावन पर्व है इसलिए मैं भैंस के दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और ये दूध को मैंने उबाल लिया था, अब ये पूरी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो हम यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और हमें इसे मिलाना है, मिक्स करना है, बाइंड करना है। तो जो पहला काम हमें करना है कि थोड़ा सा दूध डाल के हमें इसे इकट्ठा करना है, ऐसा नहीं है कि हमें इसे गूंदना शुरू कर देना है ढेर सारा दूध डाल के। और एक बात का ध्यान रखिए कि दूध हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 बारी दूध डाला है और थोड़ा सा जो पोर्शन है आटे का तैयार कर लिया है, और जो थोड़ा बहुत रह गया है उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा दूध डाल दूंगी और अच्छे से हमें इसे इकट्ठा कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे जो गुलाब जामुन का मिक्स है उसके आटे को इकट्ठा कर लिया है, और ये अभी थोड़ा सा, अभी ये थोड़ा कड़क है, तो आप ये मत सोचिएगा इतना कड़क कैसे बन सकता है, क्योंकि अभी हमें इसे बहुत ज़्यादा मारना भी है, गूंदना है अच्छे से। मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है, अब हम इसे गूंदेंगे। तो यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा दूध और हमें यहाँ पे थोड़ा सा गूंदना है इसे। इसकी जो गुंदाई है बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा हो रहा है, अच्छे से ना इकट्ठा फिर से नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप गूंदते रहोगे इसे और अच्छे से मारोगे इसे, तो उसके बाद ये फिर से इकट्ठा हो जाएगा और चिकनासा हो जाएगा। इसको जो गूंदना है करीबन 10 से 15 मिनट का तो वक्त लेगा ही लेगा, और अगर आप अच्छे से इसे गूंदोगे नहीं तो इसमें क्रैक्स आना बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि जब हम गुलाब जामुन फ्राई करते हैं तो क्रैक आ जाता है। वो क्रैक इसलिए आ जाता है क्योंकि जो दूध की मात्रा होती है वो एकदम परफेक्ट होती नहीं है, और ऊपर से जो गुंदाई होती है इससे जो गूंदने का काम होता है वो भी बहुत ही जल्दी में कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे 125 मिलीलीटर यानी कि आधा कप जो दूध है वो यूटिलाइज़ करना है, उसमें उपयोग में आएगा, पूरा का पूरा दूध ये एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए मैंने यहाँ पे इसे गूंद लिया है और जैसे आप देख सकते हो ये दूध पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे दूध को भी ख़त्म करना है। 125 ml दूध पूरा ख़त्म होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा है, प्लेट पे चिपक रहा है, तो इस तरह से हमें इसे साफ़ करना है प्लेट से ताकि ये चिपके ना,
और हटाना है और आटे में ही इसे साथ में मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे प्लेट कितनी साफ हो चुकी है। बार बार हमें यही प्रोसेस करना है, दूध डालना है, अच्छे से गूंदना है। आपको लगेगा ये कि प्लेट में चिपक चिपक जा रहा है, लेकिन उसके बाद आपको उंगली की सहायता से इसे खरोचना है और आटे के साथ मिला लेना है। कुछ ही मिनटों में आप देखोगे कि आपका जो प्लेट है पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे 125 ml दूध पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया है और जैसे कि आप आटा देख सकते हो एकदम परफेक्ट हो चुका है। इसे हम ढक के रख देंगे साइड में करीबन 5 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किस तरह से गुलाब जामुन को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि इसमें क्रैक्स ना आए। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा सा हिस्सा लिया है और देखिए मैं इस तरह से दबाती जा रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, ऐसा नहीं है कि इसे बहुत ज़्यादा दबाना है। तो हम यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए इस तरह से ही दबाएंगे इसे और इसे हल्के हल्के हाथों से गोलाकार दे देंगे। और बस एक बार आपको चेक ज़रूर कर लेना है कि इसमें क्रैक्स है कि नहीं है, वैसे तो होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये बढ़िया तरीके से बना के मैंने तैयार कर लिया है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा हथेली में घी लगा सकते हो और उसके बाद ये गुलाब जामुन तैयार कर सकते हो, जैसे मैंने ये प्रोसेस बताया है बस वैसे ही। अगर आप घी लगाते हो तो इसमें ये होता है कि जल्दी क्रैक्स आते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आदत है गुलाब जामुन बनाने की तो मैं घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप इसे पहली बार बना रहे हो या बार बार बनाते हैं और फेल हो जाते हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ा सा घी हथेली में ले लीजिए और इस तरह से इसकी गोलियाँ बना के तैयार कीजिए। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पोर्शंस तैयार कर लिए हैं और इसके मैं फटाफट बना लूँगी छोटी छोटी गोलियाँ और ये पूरे के पूरे मिलाएंगे, अगर इसे गिनेंगे तो पूरे के पूरे 40 हैं। तो इसे मैंने ढक दिया है गीले कपड़े से, बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ही हल्का गीला होना चाहिए। और साथ ही साथ में हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में चाशनी तैयार हो चुकी है और साथ साथ में जो गुलाब जामुन की जो गोलियाँ हैं वो भी मैंने तैयार कर ली है। तो अब गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और चाशनी को हम यहाँ पे हल्का गर्म ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा गुनगुना गर्म नहीं रखना है, हल्का सा गर्म रखना है। तो अब हम तैयारी कर लेते हैं गुलाब जामुन को फ्राई करने की। मैंने यहाँ पे लिया है कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल, तो ये पीनट का ऑयल है। अगर आप घी में तलना चाहो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पे मैं तेल में ही फ्राई करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको गुलाब जामुन डाल के दिखा देती हूँ। अब आंच कैसा होना चाहिए, आंच पहले हम यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में रखेंगे और बहुत ही हल्का सा गर्म होना चाहिए ये। अगर आपका तेल बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा तो ये तलते वक्त ही फटने लग जाएंगे। गुलाब जामुन को एक तय टेम्परेचर पे ही तलना होता है, बहुत ज़्यादा होगा तो जल्दी से ये ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो ये वाकई फटने लगेंगे। यहाँ पे तेल बहुत ही हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा छोटा सा कोई गुलाब जामुन का पीस हो तो आप उसमें डाल के चेक कर सकते हो। तो देखिए जैसे ही गुलाब जामुन डालोगे तो बहुत ही हल्का हल्के से बबूले से यानी कि बबल्स से निकलने शुरू हो जाएंगे साइड से, यानी कि जो तापमान एकदम सही है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ये और ना ठंडा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन डाल दिए हैं और ये फट भी नहीं रहे हैं। आप इसे हल्का सा लाइट ब्राउन रख सकते हो या थोड़ा सा डार्क ब्राउन भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो देखिए यहाँ पे तैयार हो चुका है, फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल के रख देते हैं प्लेट पर और इसी तरीके से बाकी के जो गुलाब जामुन है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो गुलाब जामुन है बना के तैयार कर लिए हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे गुलाब जामुन पूरी तरह से ठंडे होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्मा गर्म गुलाब जामुन आप चाशनी में डाल दीजिए, नहीं तो जो गुलाब जामुन है वो पूरी तरह से फट जाएंगे। तो दोनों में से एक चीज ठंडी होनी चाहिए, गुलाब जामुन जो होता है उसे ही ठंडा रखना चाहिए और जो चाशनी होती है वो हल्की गर्म होनी चाहिए कि भाई जब उंगली डालो तो इतना होना चाहिए कि आप सहन कर सको। तो चाशनी के अंदर अब हम डाल देंगे गुलाब जामुन, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे दोपहर में बनाया है तो नेक्स्ट डे मैं सवेरे से चेक करूँगी। तो सवेरा हो चुका है तो मैं यहाँ पे गुलाब जामुन को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए बहुत ज़्यादा मुलायम से बने हैं, एकदम स्पंजी से हैं। तो इसकी कर लेती हूँ मैं फटाफट प्लेटिंग। मैं यहाँ पे आपको काट के भी दिखा दूँगी। यहाँ पे गुलाब जामुन और मज़ेदार चाशनी तैयार हो चुकी है। तो देखिए फाइनली मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितना मुलायम है, कितनी स्पंजी है और कितना जूसी सा लग रहा है।
इतना मुलायम गुलाब जामुन अगर बन जाए तो मुंह में तो वाकई घुल जाता है। और ख़ास बात इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है। तो अब मैं यहाँ पे इसे काट के दिखा देती हूँ। तो देखिए कैसे मक्खन की तरह कट रहा है और आप अंदर देख सकते हो कितना जूसी सा है। और यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा दबा के दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ये गुलाब जामुन बनाएंगे और जन्माष्टमी के दिन अपने सपरिवार के साथ इसका आनंद उठाओगे। जय हिंद, जय भारत।